यार बच्चों नमस्कार। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे हल करें? द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4 एंड देयर एलसीएम इज 120। द सम ऑफ नंबर इज, तो बच्चों इस क्वेश्चन को हल करना बिल्कुल सिंपल है। यानी दो संख्याओं का अनुपात हमें दे रखा है, उनका एलसीएम दे रखा है और उनका योग ज्ञात करना है। और हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है 70, 35, 140 और 105। बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन को हल करने के लिए देखिए आपको जो बेसिक पॉइंट है वो पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपके सोल्व होते हैं तो उसमें क्या चाहिए आपको? अपने को प्राइम नंबर चाहिए। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर होते हैं जैसे 11 और 9, ये आपके को प्राइम नंबर है। इनमें क्या खास बात है? इसके फैक्टर और इसके फैक्टर में आपका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो हमने देखिए क्या करेंगे। सर्वप्रथम बच्चों ऐसे क्वेश्चन में जो रेशियो दे रखा है उसके साथ एक्स लेंगे और अपना क्या मान लेंगे? संख्या मान लेंगे, ठीक है? संख्याएं हैं। अब देखिए इनका एलसीएम क्या आएगा बच्चों? आप एलसीएम निकालना जानते हैं। अब एलसीएम को हम यहाँ यूज करेंगे क्योंकि एलसीएम हमें दे रखा है। इनका एलसीएम से हमारे पास क्या आ जाएगा? इसके और इसके बराबर आ जाएगा, जिससे एक्स का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है? तो एलसीएम ऑफ 3x एंड 4x। एलसीएम में ध्यान क्या रखना है? जैसे यहाँ भी एक्स है तो यहाँ भी एक्स है, इसको एक बार लेंगे। उसके बाद 3 और 4 में आपका पता है रेशियो है, तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं, तो डायरेक्ट कितना आएगा? 3 गुणा 4 आएगा। यहाँ से कितना आ गया आपके पास? 12, और ये एक्स आ गया। अब चूंकि आपको एलसीएम बराबर कितना दे रखा है? 120 दे रखा है। 12 से 120 कितनी बार कट गया? 10 बार। एक्स का मान कितना आ गया? 10 आ गया, ठीक है? यानी वो संख्याएं कौन सी है? 30 और 40 है, ठीक है? इनका हमें क्या ज्ञात करना है? योग। 30 और 40 का योग कितना होता है बच्चों? आपका 70 होता है। तो यही आपका यहाँ पर आंसर हो गया। अब को प्राइम नंबर यहाँ पे हमें जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है? को प्राइम नंबर हमें कुछ विशेष स्थितियों में जरूरत पड़ती है, ठीक है? जो कि यहाँ पे हमारी स्थिति बनी नहीं है।